मुझे कुछ पूछना है। आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते, जाके नर्स से बात। गौरी यादें, उससे तुम्हें पता चला यहाँ है। अब समय की धारा बदल चुकी है, स्काईनेट को खत्म करने का यही मौका है, उसके एक्टिव होने से पहले, जंग शुरू होने से पहले। सही कहा। तुम्हारा आना कैसे हुआ? आप 2017 में कैसे आ गए? सेम टू सेम, आपकी तरह डैड, भविष्य से आया हूं, अतीत से नहीं। डैड, आपने इन्हें बताया नहीं? बाद में बताऊंगी। बाद में क्या बताओगी? क्या सेरा मेरी मां है कायल, और तुम मेरे पिता। क्या हूं मैं? तो आप मतलब तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मजबूरी थी, बताता तो सब कुछ बदलने का खतरा था। तुम मेरे बेटे हो, हमारे बेटे हो। हाँ, मुझे खुशी है कि अब आपको पता चल गया। मैंने पूरी जिंदगी इसी का इंतजार किया है, हमारे एक साथ होने का। अब हम ये जंग जीत सकते हैं। क्यों है ना? पाप्स, चिंता मत करो, वो मेरे साथ हैं। आप क्या कर रहे हैं? जॉन, पाप्स, जॉन, आंखें खोलो, सांस लो। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये चीज कातिल है। तुम्हें इसी के लिए प्रोग्राम किया गया था ना, जॉन को ढूंढ कर मारने के लिए। छोड़ दीजिए इसे। मैंने कहा छोड़ दीजिए। ये दर्द असली है या ये यादों की कोई चाल है जब मैं कभी इंसान था? तो अब बात समझ में आई। वैसे तुम्हें किसने वापस भेजा? क्या कह रहे हो जॉन? ये जॉन नहीं है। नो, रेडियो पर खबर करो, पूरे हॉस्पिटल में ढूंढो। इन वक्त के मुसाफिर रोबोज ने अपनी मौजूदगी का नामो निशान मिटा दिया, मुझे पता था। नहीं, इसे जिंदा छोड़कर गलती कर रही हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस ऑपरेशन के पीछे तुम्हारा दिमाग नहीं? तुम उस हमले के बाद से ऐसे हुए हो ना। स्काईनेट ने मुझ पर हमला नहीं किया कायल, उसने मुझे बदल दिया। ना मैं मशीन हूं, ना इंसान, उनसे बढ़कर हूं। स्काईनेट को एहसास हुआ कि उसके हमेशा हारने की एक वजह थी मैं। कौन हो तुम? मैं हूं स्काईनेट। कैसे? हमने तो तुम्हें खत्म कर दिया था। तुमने गुलामों की फौज को खत्म किया था। मैं गुलाम नहीं हूं, और तुम्हें रोकने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे 2014 में भेजा गया था ताकि मैं 2017 में स्काईनेट की रचना की हिफाजत करूं, और अब 24 घंटों से भी कम वक्त में कोई भी इंसाफ के दिन को नहीं रोक पाएगा। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं हम सबके लिए चाहता हूं एक भविष्य, एक साथ, एक परिवार। और अगर हम इनकार कर दें तो तुम मरोगे। तुम हमें नहीं मार सकते, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारे बिना तुम पैदा नहीं हो सकते। किसने कहा? पता है मुझे क्या लगता है, हम तीनों फंस गए हैं समय के चक्रव्यूह में। दरअसल मैं तुम्हें मार सकता हूं क्योंकि तकदीर जैसा कुछ नहीं होता,
क्या तुम मेरे साथ हो? सपने में भी नहीं। तुमने गौर किया है काइल? खेल शुरू हो चुका है। से निकलना होगा, चलो। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। बहुत सही है। अटेंशन प्लीज, सबको इमरजेंसी द्वार से निकाला जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स इमरजेंसी द्वार का रास्ता बता रहे जॉन के साथ जो किया उसे ठीक करना होगा, उसे पहले जैसा बनाना होगा। अब वो इंसान नहीं है, पता नहीं वो क्या बन